खरीफ सीजन की फसलें कटाई होकर मंडियों में आना शुरू हो गई हैं। किसान त्योहारी सीजन से पहले फसलों को बेचकर रबी सीजन की बुआई भी करना चाहते हैं। इस बीच तिलहनी फसलों के भाव में गत 8 से 10 माह में 20 से 40 फीसद तक की गिरावट ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खरीफ सीजन के दौरान मारवाड़ में जहां मूंगफली, वहीं प्रदेश के दूसरे जिलों में खरीफ सीजन की प्रमुख तिलहन फसल सोयाबीन भी मंडियों में आने लगी है। इन फसलों के वर्तमान मंडी भाव पिछले साल के भाव से 20 से 40 फीसद कम है। गत वर्ष के तिलहन फसलों के अच्छे भाव रहने से किसानों का इन फसलों की ओर रुझान बढ़ा था, लेकिन इस बार भाव पिछले वर्ष की तुलना में कहीं ज्यादा नीचे आ चुके हैं, जिससे किसानों की तिलहन फसलों के अच्छे भाव मिलने की उम्मीदों को झटका लगा है। मूंगफली का बाजार भाव इसके समर्थन मूल्य 5850 से भी नीचे लुढ़क गया है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रदेश में मूंगफली का 70 लाख व सोयाबीन का 9 लाख मीट्रिक टन फसल पैदावार का अनुमान है। इस बीच सरकार ने आयात शुल्क में छूट की सीमा को मार्च 2023 तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इससे रबी सीजन में सरसों की बुआई भी प्रभावित होने की आशंका है। प्रदेश में 70 लाख हेक्टेयर में तिलहन की बुआई होती है, जहां 1 करोड़ मीट्रिक के लगभग तिलहन की पैदावार होती है, जिसके बावजूद देश में हर वर्ष 1 लाख करोड़ से अधिक का तिलहन का आयात करना पड़ता है। हाल ही में खाद्य तेल आयात पर रियायती सीमा शुल्क को मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है। कच्चे पाम तेल, आरबीजी पामोलिन, आरबीजी पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल, परिष्कृत सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल के साथ परिष्कृत सूरजमुखी तेल पर वर्तमान शुल्क व्यवस्था में 31 मार्च 2023 तक कोई बदलाव नहीं होगा। पाम तेल, सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल की कच्ची किस्मों पर आयात शुल्क फिलहाल शून्य है। हालांकि 5% कृषि और 10% सामाजिक कल्याण उपकर को ध्यान में रखते हुए इन तीन खाद्य तेलों की कच्ची किस्मों पर प्रभावी शुल्क 5.5% है। तिलहन फसलों के मामले में भारत अभी तक आयात पर निर्भर है। देश में खाद्य तेलों का आयात बिल कम करने और खाद्य तेलों में देश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु तिलहन फसलों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसके लिए किसानों को तिलहन फसलों की लागत का आधारित लाभकारी मूल्य देना होगा, लेकिन कुछ महीनों से महंगाई के चलते सरकार ने खाद्य तेलों के आयात की खुली छूट देकर आयात शुल्क घटा दिया है, जिससे तिलहन फसलों के दाम गिरकर समर्थन मूल्य से भी नीचे आ गए हैं। खरीफ की तिलहन फसलों की मंडियों में आवक शुरू होने वाली है, ऐसे में तिलहन के आयात को नियंत्रित कर आयात शुल्क बढ़ाने की आवश्यकता है। अधिक समय तक आयात शुल्क में छूट से रबी की तिलहन बुआई प्रभावित होने की आशंका लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।